वेरोस के अंदर है क्या मोहित भाई? हाँ वेरोस के अंदर तीन बंदे हैं। वेरोस में बहुत लोग। सर्कल देखो। वो निकल गया, निकल गया वो। निकल गया रितेश भाई। अब इस भाई का कमेंट आता है किट ओपनिंग की वीडियो पे क्या फायदा ड्रेस निकालने का, पहनते तो होनी। तो गाइज इसीलिए अब से मैं जितने भी गन स्किन्स या कपड़े निकालूंगा उनका एक या दो गेम प्ले तो आपको मैं जरूर दूंगा इस चैनल पे। और एक बार खुशखबरी ये है कि गाइज मैंने एक इंस्टाग्राम पे नया टैग पेज बनाया है AI और गैजेट से रिलेटेड, और वहीं पर मैं ये डेली दो रिडीम कोड के गिव अवे भी क्या करूंगा। गिव अवे कैसे होगा कि देखो डेली मैं एक स्टोरी और एक रील डालूंगा और उसी के बीच में आप लोगों को ना एक स्टोरी में आप लोगों को रिडीम कोड मिल जाएगा और एक कोड आपको मेरी डेली रील में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को बस करना क्या, देखो सबसे पहले तो फॉलो कर देना है मुझे, आप लोगों को हाँ सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली बात है। एंड आप लोगों को क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑल पे करना है। जैसे ही मैं स्टोरी डालूं या कोई भी मैं रील डालूं तो आप लोगों को तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जाके वो रिडीम कोड ले पाए। तो ये रिडीम कोड 200 रुपीस से लेके 500 के बीच में होने वाले, रैंडमली मिलते रहेंगे। तो गाइज आप लोग जाके जरूर फॉलो कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो ध्यान से जरूर फॉलो कर देना। चलते गाइज अभी गेम की तरफ। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस, और गाइज ये कपड़े और ये गन जो आप देख रहे हो लास्ट किट ओपनिंग की वीडियो मैंने निकाला था, ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख ही ली होगी, बट ये वाले गेम है बहुत दासू, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने में। लेकिन मैं यहाँ पर इन कपड़ों का और M24 का यूज करने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम लोग जैसे ही ग्लू पे कूदे भाई, गन मिली आज फाइनली, तू तो गया बेटे। भैया जब भी कूदो ना यही हाल है, भाई मैंने इतने मीम देखे हैं ना इस इग्लू के ऊपर कि भाड़ में जाइए इग्लू, मैं तो जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल स्प्रेड करने। भाई बात भी सही है, यहाँ क्या भसड़ बसती है भाई, कभी कभी तो मुझे गन ही नहीं मिलती है। खैर आज देखो गन मिली भी तो कैसी, अभी ये भी खाली होने वाली है। बस गाइस थोड़ी देर और ये माहौल शांत होने वाला है। और इसके बाद होगी प्रॉपर फाइट, तब आएगा मजा देखने में। तो फाइनली अब देखो यहाँ पर थोड़ी शांति हो चुकी है क्योंकि मुझे डिब्बा खोलने का टाइम मिल गया है। तो मतलब अब ये है कि जितने भी बंदे ओपन में थे सब मारे जा चुके हैं, और यहाँ मुझे लकली भाई M24 मिल जाती है। ये मान लो कि यहाँ M24 मिल गई ना तो बस अब तो एंड तक यह चलनी ही चलनी है। अब जैसी भी जैसी डीपी पड़ी इतने एम लेता, भाई साहब का हेड कनेक्ट हो गया मेरे को, नॉक हुआ, रिवाइव हुआ, जल्दी से तैयार हुआ, नहा दोगे कपड़े बड़े पहने मैंने। और ये आती है QH, इसको फेल लगा ले। ये बेचारा कहीं भी जाएगा मरना ही है इसको। भाई साहब ये वाला, अरे बेंच कहाँ से, तो भाई क्या कहाँ फंस चुके हैं हम लोग भाई, हमारे चारों तरफ बंदे। भाई साहब मेरे सारे टीममेट्स, अब भाई क्या होगा। फाइनली हमारा एक दो टीममेट तो यहाँ से हल्का हो ले, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बचे थे। और ये मुझे यहाँ पर एक बॉट दिखाई दिया, सबसे पहले मैंने इसका किल लिया, और उसके बाद में अब देखो भाई उधर वाले ग्लू बंदे और मेरे लेफ्ट में बंदे हैं और मैं यहाँ बीच में घिरा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने एक मौली की और एक ग्रेनेड की पिन खींची, मेरे को ना यहाँ से एक बंदे का साउंड आया, ये फेंका लेकिन बंदा बच गया। जैसे इसको नॉक किया भैया आप ये लो पहले, चलो भैया अब मेरे को मिल चुका है ये कामे हामे हाँ, क्या बोलते हैं इसको, कामे में मे हाँ, क्या बोलते हैं यार, मेरे को इतना टाइम यूज हो गया इसको करते हुए लेकिन भाई मैं इसका नाम सही से नहीं बोल पाया। अब यहाँ देखो भैया अपना आते हैं देसी जुगाड़ पे, ग्रेनेड की पिन खींची, ऊपर दो बंदे थे। एंड गाइस ये लो ग्रेनेड की स्किन का पहला मजा, भाई साहब दोनों बंदे नॉक, और भाई क्या लग रही है ये नई ग्रेनेड की स्किन, दोनों बंदों को फिनिश किया
और तुम लोगों से बात करने के चक्कर में पता ही नहीं चला मेरा एक टीममेट तो भाई पहुंच भी गया ऊपर मुझे लेफ्ट ब्रोकन पे। खैर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। अब देखो लेफ्ट में भी बंदे थे और मेन इग्लू पे भी बंदे थे, तो हम लोगों को ना यहाँ पर थोड़ी सी शांति बरतनी थी। शांति का मतलब ये कि अब दिमाग लगा के आराम से मारेंगे। पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, अब बंदा देखो यहीं कहीं था, पता नहीं उसे लगी है कि नहीं, लेकिन अब मैं देने वाला था एक फ्लैंक। उड़ के इधर पीछे की तरफ आया, जैसे ही आया भाई साहब ये बंदा नॉक हुआ। अब यहां देखो मेरे ना अभी सामने लेफ्ट में एक बंदा है, ठीक है, तो मैं इसका इंतजार करता हूं कि क्या ये रश करने वाला है, लेकिन जब वो नहीं आया तो फाइनली देखो मैं ही उसकी तरफ निकलता हूं। अब मैं रुक 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 पीछे से पड़ी नॉक किया उसने, जैसे ही अंदर आया अब ये तो यहाँ पे अकेले ही बंदा था, लेकिन जो मेन इग्लू था वहां पे फिर से बंदे आ चुके थे। तो भाई यहाँ आज मैंने अच्छे खासे किल उठा लिए, बस वो ये मान लो कि स्टार्टिंग में गन मिल गया, अगर वो गन नहीं मिलती ना तो मेरा क्या हाल होता तुम लोगों को पता है यार। हम लड़के ना हमारे साथ ऐसे ही होता है गाइस डेली। अब देखो मेन इग्लू बंदे थे और मैं अगर पैदल जाऊंगा तो कोई ना कोई भर देगा, तो यहाँ पर मैं भाई बहुत मिस कर रहा था बीन्स को। एंड फाइनली मेरे को ना मेरे राइट में एक पेटी दिखाई दी, रिस्क लिया और भाई साहब देखो रिस्क लेने का फायदा ही मिला मेरे को, इसके अंदर बीन्स मिल जाती हैं। सबसे पहले मैंने एक मसाला लिया और अब जाता हूँ मैं मेन उगली की तरफ। जैसे यहां पर आया अब देखो यहां से तो कोई साउंड नहीं आया, बट ये बंदा नॉक पड़ा था और सामने अब भी बंदे थे क्योंकि उधर की तरफ बंदे स्पॉट भी हो रहे थे, उधर गन भी चल रही थी। तो गाइस अब तैयार हो जाओ एक बेहतरीन 1v2 देखने के लिए क्योंकि बहुत फास्ट होने वाला है। अब ये डीपी वाला बंदा मेरे से मिस हो जाता है, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूं कि तुम उनको ऐसा कुछ थोड़ा बहुत करो कि ये बंदा पीक वीक करे। नहीं है मेरे पे कुछ भी। एंड फाइनली इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है एंड अब देखो यहां पे क्या रश होने वाला है। एक उड़ के आया, पहले ये नॉक और बड़े ही आराम से चल के इस वाले बंदे को नॉक किया। कहां पे आ रहा है? गैंग कहीं आ रहा है क्या? देख के नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले आया इस वाले बंदे को फिनिश करने के लिए, भाई बड़े ही आराम से छिपके करना पड़ता है ये सारे काम। पता नहीं कौन कहां छिपके बैठा है, पूरा लपेट ले जाता है साथ में। फाइनली भाई इग्लू खाली हो चुका है और अब हम लोग देखो जैसे यहां पर आए ना मेरे को इस वाली शैक पे एक बंदा दिखाई दिया। लेना है भैया, लाइफ नहीं है, अकेले हो। अब मैंने टीम को बताया कि शेक के अंदर बंदा है, मैंने उसे जाते हुए देखा था, तो आ जाओ मेरे साथ में। तो मैंने पहले ही मतलब ऐसी एक मॉली फेंक दी, अगर होगा बंदा तो मर जाएगा। मॉली फेंकी, भाई क्या गेम है ये, तुम देखो जरा बंदा अंदर है, मॉली लग चुकी है लेकिन बंदा नहीं मरा। अब मैं जाता हूँ क्लोज, मारो ना ग्रेनेड मॉली। बट जैसे क्लोज आए देखो बंदे का मार करने लगा। भाई गेट के पीछे था और मौली वहां नहीं जा पाई, किस काम की मौली है जो गेट को नहीं चला पा रही है। और इसके बाद में घूम घाम के भाई हम लोग यहां पर आए और जैसे यहां पर आए फिर से बंदे। अब दूर से तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था यहां कोई है नहीं क्योंकि गाड़ी वाड़ी कोई दिख नहीं रही थी, बट जैसे क्लोज आए तो बंदे स्पॉट होने चालू हो गए। तो भाई अब तैयार हो जाओ गाइस, अब आप लोगों को स्नाइपिंग देखने को मिलेगी। अपना एक टीममेट पीछे स्नाइपर से नॉक, मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूं ना। लेकिन मैंने सोचा कि वहां से फाइट मिलने से अच्छा है पहले मैं यहां इनसे फाइट लूं। ये फेंकी मैंने एक मॉली, इनको मार लेते पहले, तभी भगदड़ की आवाज, तो मैं समझ गया भाई बंदे को मॉली लग चुकी है। एक ग्रेनेड की पिन खींची और ये फेंक दिया मैंने नीचे। अब इस बंदे के साथ में ये वाली टीम तो फिनिश हो गई, लेकिन अब टाइम था इन बंदों को मारने का। ये भाई पता नहीं कैसे बॉडी कनेक्ट हो गया क्योंकि उस बंदे का तो सिर्फ हेड दिख रहा था। अब जैसे उस बंदे ने देखा कि सामने से स्नाइपर पड़ रही है, तो भाई देखो अब वो कैसे पीक करता है। उसने अच्छा दिमाग लगा के मेरे टीममेट को नॉक किया, लेकिन तुरंत ट्रेड में मैंने भी नॉक दिया। अब जैसे ही मैंने इस वाले बंदे को नॉक दिया, थोड़ी देर बाद अब वही बंदा पीक करता है जिसके पास AWM थी। तो देखो मैं इसे कैसे नॉक करता हूं।
गया भाई ए डब्ल्यू एम वाला। तो गाइस स्नाइपिंग अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस ये M24 की स्किन और ग्रेनेड की स्किन कैसी लग रही तुम लोगों को कमेंट बताना। फिलहाल देखो अब हम लोग यहाँ से ना सीधा रश करके निकल लेते हैं इन बंदों की तरफ, क्योंकि बंदे ज्यादा बचे थे नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया सबसे पहले मैंने तो मेरे को मसाला लिया और अपने टीममेट से मांगी मौलियां। अब देखो मैंने मौली क्यों मांगी बताता हूँ। देखो अभी जो रिसेंटली M4 की स्किन आई थी ना, मैंने उसके साथ में मौली को भी अपग्रेड किया। खैर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बचा और अब देखना वो मौली की स्किन कैसी है जैसे बंदा नॉक होगा। देखो गाइस लग गया और बड़े ही आराम से ये वाला यहाँ पर डुओ फिनिश हो गया। पता नहीं डुओ या ट्राई जो भी था ये, बट अब केवल दो बंदे बचे थे। तो सबसे पहले मैंने मसाला लिया और मैं ना एक नया एंगल लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन पहले भाई थोड़ी सी लूट तो चाहिए मुझे भी। दो बंदे बच रहे हैं बस। अब जैसे मैंने लूट ली मैं बाहर आया एंड यहाँ पर मुझे एक स्मोक दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि एक बंदा तो यहाँ पर हो सकता है कि दो भी हो, लेकिन एक होगा मिनिमम अगर स्मोक हुआ है तो। तो मैं जाता हूँ इधर की तरफ एंगल लेने के लिए और जैसे मैं इधर की तरफ आया मेरे को ऐसा लगा पीछे की तरफ कोई है, तो मैं काम करता हूँ अंदर बैठ जाता हूँ, मेरे टीममेट आते हैं और वो देख के कंफर्म करके बताते हैं कि हाँ बंदा है यहाँ पर। बस जैसे उन्होंने कंफर्म किया तो मैं आता हूँ फाइट लेने के लिए। और कंफर्म हो चुका है कि भैया ये अब अकेले अकेले बंदे बचे हैं और वहाँ केवल एक आखिरी बंदा बचा है। तो मैंने अपने टीममेट से यही विश मांगी कि भैया इस आखिरी बंदे को बस मुझे मारने दो, लेकिन मेरे टीममेट्स भाई जाके उसके मुंह पहुंच गए और तब जो मैंने गाली थी उसको, मतलब उस बंदे ने फिर मेरे टीममेट ने ना अपनी क्या बोलते हैं ना कि अपनी उम्मीद छोड़ दी कि मैं अब मर जाता हूँ, लेकिन देखो क्या होता है। अरे क्या उड़ जा क्लाउड। तो भाई देखो टीका तो लग चुका है आखिरी वाले बंदे को, डिलीशियस चिकन डिनर मिल चुका है, लेकिन हमारा टीममेट सही हो चुका है। कोई बात नहीं यार, उसका तो प्लस हो ही जाएगा। बाय द वे गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, जो मैंने नया टैग वाला इंस्टाग्राम बनाया जहाँ पर मैं डेली दो गूगल प्ले रिडीम कोड के गेम वे क्या करूँगा, तो आप लोग जाके भाई ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं बाय द वे गाइस नेक्स्ट कमाल की वीडियो में। ध्यान रखना, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स वॉचिंग गाइज।